नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। आज हावड़ा स्टेशन के लिए रवाना हुई किसान स्पेशल ट्रेन। पहले ही दिन छिंदवाड़ा से सब्जी के दो पार्सल और दो गेहूं की बोगी छिंदवाड़ा से हावड़ा के लिए लेकर निकली। खबर छिंदवाड़ा से, जहां छिंदवाड़ा देश के किसानों के लिए मंत्रालय की स्वर्णिम योजना किसान रेल को छिंदवाड़ा से हावड़ा के मध्य चलाया गया। यह तीव्रगामी रेल है जो मध्यवर्ती स्टेशनों में केवल लोडिंग अनलोडिंग के लिए रुकेगी और कम समय में फल सब्जी इत्यादि का परिवहन कर जल्द खराब होने वाले सामान को कम समय में गंतव्य तक पहुंचाएगी। किसान रेल को छिंदवाड़ा से अच्छा प्रतिसाद मिला और पहले ट्रिप में ही 43 टन माल लदान हुआ। 27 अक्टूबर को यह ट्रेन शाम 5 बजे छिंदवाड़ा आई। उसके बाद पूरी ट्रेन को वरिष्ठ अनुविभाग अभियंता कैरेज एवं वैगन विनय तिवारी की निगरानी में कर्मचारियों के द्वारा सजाया गया। मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग सिंह ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर ठीक समय पर रवाना किया। इस दौरान रेलवे जोनल सदस्य सत्येंद्र ठाकुर, स्टेशन प्रबंधक संतोष श्रीवास, वाणिज्य निरीक्षक अजीत कुमार एवं गणवीर राजू, निरापुरे संजय ढोंगरे, जीसी सोरेन, आशीष अल्ढक, जेपी उइके, बीएन नंदनकर, महेश पाल, रेलवे यूनियन सचिव राज किशोर तिवारी तथा दर्जनों रेलवे कर्मचारी उपस्थित रहे। ट्रेन का प्रचलन लोको पायलट बंडू पाटिल एवं परिचालक बिही के सिंह द्वारा किया गया। आज छिंदवाड़ा जिले वासियों के लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन व सहयोग से केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी द्वारा जिले के कृषकों के लिए किसान ट्रेन का शुभारम्भ होने जा रहा है। इसके लिए मैं जिले के समस्त कृषकों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि छिंदवाड़ा जिले के कृषकों के लिए, जो कि बहुत ही बड़ी मात्रा में सब्जियां और फल फ्रूट का उत्पादन करते हैं, और जब हमारे समस्त देश में लॉकडाउन था तब भी एक ही संगठन था कृषकों का, जो लगातार अन्नदाताओं का, जो देश के लोगों के लिए बड़ी मात्रा में सब्जियां और अन्य चीज़ों का उत्पादन कर रहे थे, और देश के कोने कोने में किसान ट्रेन के माध्यम से ये समस्त सब्जियाँ और फल फ्रूट जाएंगे, और निश्चित ही कृषकों के लिए ये योजना मील का पत्थर साबित होगी और कृषक भारी मात्रा में इसका लाभ उठाएंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और अभी जो भी विसंगति है उसके लिए भी हम रेल मंत्री जी से मांग करेंगे और समस्त विसंगतियों को कृषकों की दूर कराएंगे। छिंदवाड़ा से खड़गपुर तक, नागपुर, इतवारी, गोंदिया, दुर्ग, हावड़ा, हर तरफ की चीज़ें छिंदवाड़ा आ सकेंगी और छिंदवाड़ा से भी सारी चीज़ों का लोडिंग हो सकेगी। संतरा उत्पादकों को भी इसका बहुत बहुत लाभ होगा। और एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूँ तो कृषकों के लिए किसान ट्रेन वरदान साबित होगी, और दीपावली में मिली ये सौगात जिले वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं रेलवे के उन समस्त कर्मचारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने रात से इन सब्जियों की लोडिंग की, इसका प्रचार प्रसार किया, ट्रेन को सजाया। छिंदवाड़ा से आशीष मालवीय की रिपोर्ट।